एक्सरसाइज हम हो चुके हैं तैयार, हम जा रहे हैं एसएसटी एसटी को लेकर, डोली लेकर जा रहे हैं इनकी एसकेएस ग्रैंड जहाँ पर शादी होना तय हुआ है आज। तो वेन्यू है तो बस सब पहुंच जाएंगे 10-15 मिनट में। और ये है इनकी लास्ट बैचलर राइड इन थार तो चलिए फिर आज हम बना रहे हैं व्लॉग। आज है फाइनली हमारा वेडिंग डे, दी डे। सो बहुत कुछ फील नहीं कर पा रहा फिलहाल, अभी एकदम नम। अभी कोई फीलिंग नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें शादी हो रही है, कुछ एक्साइटमेंट नर्वसनेस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो, जीरो इमोशंस फिलहाल। हम फीलिंग लाइक ये बहुत फीलिंग लाइक कि हम किसी और की शादी में आए, हां रेडी होना है एंड अटेंड करते हैं, मजे खा पी के चले जाएंगे। सो बेसिकली अभी हमारी फीलिंग ये है एंड सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बच्चे लोग भी आ गए हैं एंड रेडी भी नहीं हुए अभी ये लोग। तो भाभी का भी शुरू हो चुका है मेकअप वगैरह एंड अभी साइड में हमारा रूम है, भैया हो चुके हैं सामान लेके अपने बार बार ऊपर। सो हमारे इन-लॉज भी जो है नीचे आ चुके हैं एंड अभी कुछ फंक्शन जो छोटा मोटा होना वो होगा। मम्मी भी आ गई, ये रेडी हो गई। मैं अब तक सब मेकअप बना बाकी है ना बेटा, मैं तो घर से पहन के आई थी। अच्छा तुमने देखा नहीं, हमने शूट नहीं किया था ना, बार्डर नहीं आया। मैं जा रहा हूं देखा कि कपड़े चेंज करने इनको। अच्छा ठीक है, सो फटाफट चलते हैं एंड रेडी होते हैं गाइस। काफी लेट हो चुका है ऑलरेडी, सो इसलिए हम मेहंदी एकदम हो चुकी है डार्क एंड फटाफट चलते हैं गाइस। बहुत लेट हो रहा है एज यूजुअल। ये ब्लॉग संदीप ब्लॉग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक वीडियो हम बना लेते हैं आपका। ओके दृष्टि दाल चावल खाए जा रहे हैं गाइस एंड भाभी मेकअप शुरू हो चुका है। तो गाइस ये कुछ सीन है, अभी भी लंच वगैरह सब ओवर हो गया है, साली अब सगाई के प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ये अंदर का प्रोग्राम यहाँ पे होगा। तो गाइस अभी मुनी और मैं लगे हुए हैं ढोने में दीदी के लहंगे, और ये इतना भारी लहंगा है इससे हम बॉडी बना सकते हैं इसकी आँख उठ ही नहीं रहा गाइस, देखो क्या करें गाइस, इससे बॉडी में पंप भी आ सकता है गाइस। तो आप इसे 2-in-1 काम कर सकते हो। चलो बाद में मिलते हैं आपसे। हे गाइस वेलकम टू अवर व्लॉग्स। हाँ जी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अक्षतांति समर्पयामि, पुष्पांति समर्पयामि, धूप दीपांति दर्शयामि, धूप दीपांति सारा कर दो। मामा का मेकअप चल रहा है। सो ये है हमारी मम्मा का लुक, मस्त मेकअप हुआ एकदम नेचुरल। ये देखिए मैडम जी एकदम हो गए रेडी, अब जाओ जाओ, डैडी बुला रहे हैं वैसे भी आपको
अंदिष्टि के हो रहे हेयर्स एंड मेरे हो चुके हैं। हम एकदम रेडी हो गए हैं, बच्चों ने भी बढ़िया से रिएक्शन दिया है जो कि मैंने रिकॉर्ड किया है। अगर टाइम से मिलिए क्लिप तो डाल देंगे, वरना रील में देखना ना हमारी। एंड ऋषि वाले को ऋषि दिखा, इसको दिखा, ऋषि का रिएक्शन देखिए, ये था, ये ऋषि का रिएक्शन, आप समझ जाओ। रोना नहीं है, मुझे मत रोना प्लीज यार, नहीं मुझे ऋषि का नहीं, पागल है क्या, पूरा क्यों खड़ा कर रही है। कोई आई हुए ये ऋषि का, ये और ये मैं। हाँ ये मैं। यहाँ शुरू हो चुका है नाश्ता और ये चल रहा है। तब शुरू करना।
बहुत मस्त। फाइनली माय गर्ल्स आर हियर। ओ प्रिटी यार, सो प्रिटी सही में, सो मच प्रिटी ब्रोस। यार पहली बार मुझे किसी का मेकअप पसंद आया, वरना मेकअप पसंद नहीं आता मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ करो, मेरी नजर लग जाए इनको। सही में आज मेकअप एकदम परफेक्ट वाला ना, परफेक्ट फाउंडेशन बहुत कम और आईलैशेस और कुछ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बहुत अच्छा। गाइस बिहाइंड द सीन्स, ये है जो इंसान सबको दिमाग खाता है, ये सबका दिमाग खाता है इंसान। ये आ रहा गुंडा देखो, गाइस सृष्टि दी के बिहाइंड द सीन्स कम बोल बेटे, एस यू लोम्बे, ये है बिहाइंड द सीन्स।
पेपर शीट्स हो चुके हैं, नाउ वी गोइंग टू हैव अ डिनर। ऐसे करो ऐसे। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं डिनर करके अभी, एंड अभी बज रहे हैं 1:30 AM एंड 3 o'clock हमारे आने वाले फिरे, सो हमें 1 घंटे का रेस्ट मिला यहाँ पे। हाँ तो हम लोग अभी आ गए अपने रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, एंड या अभी सो फार सो गुड चल रहा है फिलहाल। एक बच्चों ने जो भी रिकॉर्ड किया है, मतलब खुद कुछ नहीं बताने रिकॉर्ड किया है अभी कि क्या, मतलब थोड़ा बहुत जो भी किया है हमने शो कर दिया आपको पहले ब्लॉग में। हाँ तो अभी हम लोग क्या करते हैं रेस्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको फेरों के टाइम पे, एंड लेट अस नो कि हम कैसे लग रहे हैं। अब से बात हो नहीं पा रही है, क्या करें, थोड़े रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, क्या करें, तो इतना बच रखी है, थोड़ा सा मुश्किल होता है खुद से ब्लॉग करना खुद की वेडिंग में, बट बच्चे पूरा एक तरीके से हमको हेल्प कर रहे हैं। सो या सो ये आ चुका है देव लेके क्या बेलमैन, ये ऐसी प्रोनाउंसिएशन है भैया, ये आई है दुबई से आई है। जैकेट कितने की वाले बताओ, कितने की? डेढ़ पेटी नहीं है, अच्छी खास रेट की है। फर्स्ट टाइम मेरे दोस्त लेके आए, भाई जाते रहते हैं दोस्त। यहाँ पे यहाँ पे देखो कैसे मस्त रेस्ट कर रही है ये आपको, वो भाभी के लिए बैग आया, दिखाना मेरे पास आके दिखाना। एक आपका शादी हमारी और एक गिफ्ट, गिफ्ट इन लोग क्या रहा सही है बेटे। ओके एक और बैग है, अच्छा भाभी हमेशा वो ब्राउन होता है तो ब्लैक होता है। ये दिखाना था जैकेट बैग ही, देख खोल मत, बैग मत खोल, फिर वापस से पैक करना पड़ेगा। कुछ नहीं होता, ये दोनों ही कलर्स ऑलमोस्ट लाइट शेड्स, अच्छा लग रहा है। दिस जैकेट बटन खोल के दिखा, वो यार इट्स सो प्रीटी, वेरी नाइस, बहुत मस्त कलर है, ऑफिस के लिए मंगाना चाहिए था, दिखाना जैकेट पीछे से दिखाओ, वो बहुत मस्त लग रही है, अच्छा लग रहा है, वो बहुत मस्त लग रहे हो। दिखाना पीछे से दिखाना, सरस्वती न भूभा विश्व विधा सती न तारक्षयोरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति धातु ओम वयोह पृथिव्याम वयोखदीशो वयो दिव्यन्तरिक्षे वयामि ओम मनोः विकर्षहि तामः यशिः तनो यज्ञम् जम्मम ददातु अहम् तामो तीन पृथ्वता श्रीमन्महागणाधिपते नमः जलिष्णान्ति समर्पयामि नमः ओम गंगे नमः जमुने नमः सरस्वते नमः ओम गंगे नमः जमुने नमः सरस्वते नमः पानी हरिओम कॉफी अभी बनेगी ये पीले नमः भाभी संकल्पम अहम करिष्यसि चरणे त्र्यम्बके नारायणे नमोस्तुते हरि ओम श्रीमोग्रवाहाम च संकल्प ओं कन्यादान महादान सर्वदान प्रवंदे ओम ततः विष्णु शिष्य कालावकपकं गणेन मुदीपेह प्रत्यायं तां प्रतिमासं नमः सप्तमे मासे अमुकमासे
आपने आगे चलना सीधा पैर बेटा बढ़िया से सीधा पैर इसमें सिर्फ टच करते ना तो चलते समय राइट पैर यानी कहानी इस पर टच करते ना कहानी कहानी चंपा पानी ओम कन्यादान महादान सर्वदान प्रपद्यहे ओम मंगलपदे नमः स्वाहा ओम मंगलपदे नमः स्वाहा ओम गाय नमः स्वाहा ओम गणे भरणवाने तनमसि यानी गानी च पापानि जन्मांतरतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु दुर्दक्षिणायां पदे कपिले ये भगवान सटा मेरा वचन यह है सर्दी गर्मी बसंत हेमंत सुसरिया शेर कहे ऋतु के अनुसार मेरी भोजन वस्त्र दे तो मैं आपकी दामन आने को तैयार ये नहीं कि आप गर्मी पड़ रही हैं आप कहते नहीं ठीक है यही सॉल्व चल जाएगी और नहीं कोट भी चलेगा है सर्दी सर्दी ऐसा वस्त्र चाहिए गर्मी में गर्मी जैसा वस्त्र चाहिए गर्मी जैसा हल्का भोजन चाहिए सर्दी में भारी भोजन चल जाता है परंतु गर्मी में भोजन भारी नहीं चल सकता है इसीलिए हे भगवान आप वृतानुकूल मेरे लिए भोजन और वस्त्र दें तो मैं आपके दामन ला सकती हूँ नहीं नहीं मैं ये नहीं कह सकता कि बाहर और नहीं था ये नहीं बजट नहीं है सप्त सखीन वा हे भगवान सातवां मेरा वचन ये है जैसे मैं सात सहेलियों के बीच में बैठी हूँ और मेरे से कोई गिरफ्तार हो जाता है कोई भी नुकसान हो जाता है तो आप कभी भी मेरा सास के बीच में अपमान ना दूसरा वचन यदि दानम कुर्यात् अस्मिन् आप कोई भी दान करें गाय का दान कन्या दान इत्यादि बहुत प्रकार के दान होते हैं आप किसी भी प्रकार का दान करें जैसे कि किसी को भोजन कराना है तो उसमें भी इनकी अनुमति है तीसरा अवस्थात्र मन पालनम कुर्यात् तीन प्रकार की अवस्था होती है बाल युवा और बुढ़ापा तो बाल अवस्था तो मेरे माता पिता के यहाँ पर तो तीन बार भरने इसके ऊपर से करना बस एक भर भर के डालना है मनी की तरह का हाँ दूसरी बार हो गया करो फिर तीसरी बार करो पांचवी बार पूरा डालो बोला है बताना है जो भी मैंने सारा किया तेरे बड़ी को ऐसी हो मैंने तो 40 का चंडो मैं तो पहले मेरे जूते तो लाओ पहले पैसे दे दो अरे इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी साड़ी ठीक है नहीं चाची एक मिनट आपने क्या बताया मेरे चलो दोनों बताते मेरे
एक और जोड़ी गाड़ी में अगर ऐसा कुछ हो तो वो दे जाऊंगा, इन्हें पहन लो आप। नहीं चीनी डाली हुई है, थोड़ा सा टेस्ट करा दो। चलो फ्री हो जाओ। फाइनली गाइस द वेडिंग कम्स टू एन एंड एंड बाय 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 बेटा। हंसो बेटा, हंस के जाते हैं, रुला के नहीं जाते हैं। अरे लाइक्स एंड फॉलो नहीं किया क्या बेटा? दृष्टि दृष्टि बाय बेटा, बाय बाय, बंद करो, बाय बाय। सो मंदिर आ जाना। हाँ मैं आ रहा हूँ, ये मंदिर आ रहा हूँ। हाँ अभी आ रहा हूँ। शीशा बंद करो बेटा। आराम से रोते हुए आओगे क्या ब्लॉग में? रोते हुए ब्लॉग चाहिए आपको? बाय किड्स, चलो बाय बाय बेटा। दृष्टि सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, रोना है तुमको? ऐसे नहीं रोते बेटा, चलो आ रहा हूँ मैं गाड़ी लेकर, है ना, चलो आराम से भैया, आराम से गाड़ी आ रही पीछे वाली, चलो